अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी उंचा। क्या हाल है सबके? उम्मीद है जी सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। मैं कर रही हूँ अपने स्कूल में एक बर्थडे इवेंट की आजकल तैयारियाँ, और जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, मेरी थीम है येलो एंड वाइट। गूस की बर्थडे कर रहे हैं और उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट सी चीज़ें बनाऊँगी मैं, कुछ क्राफ्ट की, और आपके साथ शेयर करूँगी। और आज मैं बनाने जा रही हूँ पॉम पॉम फ्लावर्स विद क्रेप पेपर। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, ये खूबसूरत से पॉम पॉम फ्लावर्स बनाए हैं और ये आप कहीं भी पार्टी के लिए यूज़ कर सकते हैं। मेरा थीम येलो है तो मैं येलो कलर के बनाऊँगी, आप किसी भी कलर के यूज़ कर सकते हैं। और बहुत ही इजी वे में ये बन जाते हैं, जस्ट 2 मिनट्स में ही फ्लावर्स रेडी हो जाते हैं और बहुत खूबसूरत लगते हैं जी। तो चले करते हैं वीडियो अपनी स्टार्ट, कि ये फ्लावर्स किस तरह से बनते हैं, डिफरेंट साइजेस में आपको बनाना सिखाऊंगी मैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियोस के लिंक मिल सकें, और अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो शेयर कर दें और लाइक कर दें। थैंक यू सो मच। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टा एंड फेसबुक विद द सेम नेम गुंचाज व्लॉग। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हाँ जी, तो सबसे पहले हमें चाहिए क्रेप पेपर। मज़े की बात यह है कि इस फ्लावर्स के लिए हमें ज़्यादा रिसोर्सेज की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, जस्ट क्रेप पेपर हमें चाहिए और किसी भी कलर में इजीली अवेलेबल होते हैं और बहुत ही एक्सपेंसिव नहीं होते, जस्ट 20 रुपीज़ का ईच होता है। उसके बाद हमें चाहिए सीज़र और हमें चाहिए फ़िश वायर और थ्रेड। आप थ्रेड भी यूज़ कर सकते हैं, अभी मेरे पास फ़िश वायर नहीं है तो मैं थ्रेड यूज़ कर रही हूँ। 6 क्रेप पेपर्स मैंने लिए थे और एक क्रेप पेपर की जो लेंथ होती है ऑलमोस्ट 1.5 मीटर होती है, मैंने उसको हाफ़ कर लिया है। ठीक है, तो ये शीट्स बन जाएंगी। आप कह लें कि ये हाफ हाफ मीटर की एक शीट है, ये देखिए इस तरह से 1 2 3 4 5 इस तरह से काउंट करके आप रख लें। आप जितनी ज़्यादा शीट्स ऐड करेंगे उतना ज़्यादा आप कह लें कि उतनी ज़्यादा लेयर्स वाला फ्लावर बनेगा। ठीक है, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कितना ज़्यादा लेयर्स वाला फ्लावर चाहिए। मैं सबसे पहले फुल बिग साइज़ का बनाऊंगी और मैं इसके लिए 5 लेयर्स यूज़ कर रही हूँ। टेक्निक इसकी ये है कि हमने इस तरह से शीट्स ले ली, इनकी जो लेयर्स हैं, और हमने इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में फ़ोल्ड करना है। जैसे हम बचपन में फ़ैन बनाने के लिए किसी भी पेपर को लेके पहले राइट साइड पे फिर लेफ्ट साइड पे फ़ोल्ड करते थे, बिल्कुल इसी तरह से। और क्योंकि मैं एक फुल क्रेप पेपर का फ्लावर बना रही हूँ बिग साइज़ का, तो मैं 2-2 इंचज़ को इसको फ़ोल्ड कर रही हूँ। ये देखिए इस तरह से लेयर्स बन रही हैं। ठीक है, और आप अगर छोटा ले रहे हैं तो आप छोटे लेयर्स फ़ोल्ड करेंगे, अगर आप बड़ा ले रहे हैं तो आप थोड़ी बड़ी साइज़ की लेयर्स फ़ोल्ड करेंगे। मैंने ऑलमोस्ट 2 इंचज़ की लेयर्स फ़ोल्ड की हैं और मेरे पास ये फुल क्रेप पेपर है। ये देखिए इस तरह से मैं फ़ोल्ड करती जाऊंगी। ज़्यादा लेयर्स मत लें क्योंकि कटिंग में फिर आपको ज़रा प्रॉब्लम होगा। वैसे तो जितनी लेयर्स लो उतनी अच्छी लगती है, लेकिन अगर आप न्यू हैं तो पहले कम लेयर्स के साथ बनाएं। ये देखिए जी, इस तरह से मैंने ये एक फुल बिग साइज़ का जो फ्लावर है उसकी पूरी की पूरी फोल्डिंग कर ली है। सिर्फ फोल्डिंग ही है इसमें, जितनी ज़्यादा आप फोल्ड करेंगे लेयर्स, ये देखिए ऑलमोस्ट 10 लेयर्स मेरी फोल्ड हुई हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, जैसे हम बचपन में फ़ैन बनाते हैं, बिल्कुल उस तरह से ये बन गया है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने करना क्या। अब हमने ये देखिए इस तरह से कितना खूबसूरत सा ये बन गया, और हमने सेंटर से इसको लेके हमने इसको टाई कर देना। ठीक है, फिश वायर है तो फिश वायर से कर लें, और मेरे पास अभी थ्रेड है तो मैं थ्रेड से इसको टाई करती हूँ। ये देखिए जी, इस तरह से हमने कर लिया सेंटर से टाई, और अब ये एजेस से जो है ना हमने पेटल की शेप इसको दे देनी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जितनी ज़्यादा लेयर्स होंगी, जितनी ज़्यादा टाइम हमने फोल्ड किया होगा, आपको कटिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन क्रेप पेपर है कट जाता है, इतना मुश्किल नहीं है। इस तरह से आपने दोनों साइड से राउंड शेप कर लेनी है। पहले मैंने एक साइड से कट किया, मैं ये दूसरी साइड से कट करती हूँ। और ये देखें, एक इस तरह से दोनों साइड से एक बिग फैन बन गया है, और अब इसको हम ओपन करेंगे। ये देखिए जी, इस तरह से हमने एक साइड से ओपन किया और ये कितना खूबसूरत सा, ये अभी पूरा कंप्लीट भी नहीं है तो इतना खूबसूरत लग रहा है। ये एक साइड से ओपन किया और अब ये दूसरी साइड से ओपन किया, तो ये देखें जी, ये कितना खूबसूरत सा एक फ्लावर का लुक अभी से आ गया। फोल्डिंग हम हमने ओपन कर लिया इस तरह से, अब हम इसकी लेयर्स ओपन करेंगे। लेयर्स ओपन करते हुए आपने बहुत ध्यान से स्लो स्लो ओपन करनी है, क्योंकि ये बिल्कुल टिश्यू की तरह होता है और ये फट सकता है। पहले मैं एक साइड से ओपन कर रही हूँ और उसके बाद मैं दूसरी साइड से ओपन करूँगी। और इसकी लेयर्स जब आप ओपन कर रहे होंगे, सेंटर से ये टाइट होगा क्योंकि हमने टाई किया हुआ है, तो बहुत ध्यान से। अब मैंने ये एक साइड से एक लेयर ओपन कर ली इस तरह से, अब दूसरी साइड से इसी तरह से 1 बाय 1 आपने सारी लेयर्स इसकी ओपन कर लेनी है। मैं इनको ओपन करती हूँ और फिर मैं वापस आती हूँ।
और जी ये देखिए जी कितना खूबसूरत सा हमारा 3D फ्लावर रेडी हो गया है और कितना खूबसूरत लग रहा है। और अगर आप चाहें तो आप इसको दूसरी साइड से भी पूरा ओपन कर सकते हैं। मैंने एक साइड से इसको उठाया है पूरा, क्योंकि मुझे वॉल पे पेस्ट करना है। आप इसको राउंड शेप में भी पूरा ओपन कर सकते हैं, जैसे इस साइड से कि आप उधर कर दें एक साइड को, ठीक है। तो ये बन गया है मेरा बहुत खूबसूरत सा फ्लावर। मैंने क्योंकि अपने बैकग्राउंड के लिए बनाए हैं, अभी मैंने फ्लोर पे रखा हुआ है। और ये आपको दिखा देती हूँ इस तरह से, देखें जी हर तरफ से कितना खिला हुआ सा फ्लावर लग रहा है। आप किसी भी इवेंट के लिए ये इजीली बना सकते हैं, और कम रिसोर्सेज कम बजट के अंदर अगर आपको बहुत ही कोई यूनिक सी चीज़ चाहिए तो दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। और ये देखिए जी इस तरह से मैंने स्मॉल साइज़ में भी बनाया हुआ है, और आपको डिफरेंट साइजेस दिखा दे। तो ये मैंने 4 लेयर्स का बनाया था, ये इस तरह से 4 लेयर्स। और मैं इसको ओपन करके भी दिखा देती हूँ, बहुत ही स्मॉल साइज़ का ये बनेगा। डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के आप बना सकते हैं, जितनी मर्ज़ी आप लेयर्स ऐड कर लें उतना अच्छा लगेगा। और ये जो है ये मैंने हाफ क्रेप पेपर के साइज़ का बनाया है, और ये भी 4 लेयर्स का है। जो बिग वाला है वो 5 लेयर्स का है, ये 4 लेयर्स का है। तो एक ये भी ओपन करके आपको दिखा देती हूँ, बहुत जल्दी बन जाते हैं, बस एक दफ़ा की प्रैक्टिस है आपकी। और फिर आप ये मैंने ऑलमोस्ट 7-8 रेडी किए हैं जस्ट इन 15 मिनट्स। तो ये बहुत जल्दी बनते हैं, और जब आपके पास टाइम ना हो और आपको बहुत अच्छी सी डेकोरेशन करनी हो किसी भी इवेंट पे या घर में, तो आप ये आराम से बना सकते हैं। ये देखिए जी ये डिफरेंट साइज़ का ये भी आ गया, मीडियम साइज़ का। और ये लेयर्स ओपन हो रही हैं इसकी, और इस साइड से आप लेयर्स ओपन करें और दूसरी साइड से भी करें तो ये पूरा राउंड में भी ओपन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैं वॉल के लिए बना रही हूँ तो मैं सारी एक साइड से ओपन कर रही हूँ इसकी लेयर्स। हाँ जी, तो ये इस तरह से मैंने पूरा ओपन कर लिया है और ये ऑलमोस्ट डन है। और जी ये हैं 3 डिफरेंट साइज़ेस के जो मैंने आज बनाए हैं, और ये इस तरह से मैंने कुछ ओपन करके भी रखे हुए हैं और कुछ कट करके भी रखे हुए हैं। तो जी ये देखें इस तरह से आप पहले से बना के भी रख सकते हैं। ये है जी मीडियम साइज़ का जो क्रेप पेपर को हाफ करके बनाया, और ये है फुल साइज़ का। सो ये बिग वन जो कि फुल क्रेप पेपर से बना है, और ये मीडियम साइज़ का भी देख लें, ये भी दिखा देती हूँ, ये मीडियम साइज़ का, और दिस वन इज़ स्मॉल साइज़। तो जी ये थी मेरी आज की वीडियो, और आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दे, कमेंट कर दे और शेयर कर दे। मैं मिलूँगी आपको अपनी अगली वीडियो के साथ इंशाल्लाह, और भी बर्थडे से रिलेटेड बहुत सी चीज़ें शेयर करूँगी। सो नेक्स्ट वीडियो का वेट करें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।